हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर का एडिटोरिया, करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट वन। और इसको हम लोग, यह वीडियो जो होने वाला है बिहार दरोगा के लिए स्पेशल होने वाला है, जो बिहार दरोगा में लैप्रोक्स 25-30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला जा रहा है। इसको लैंडस्केप मोड में कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में बोला जा रहा है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, लियोन्स मेसी को। लियोन्स मेसी को हाल ही में वर्ष 2023 के लिए बैलन डी ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी, लियोन मेसी। नागरिक उड्डयन महानिदेशक से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है। तो थियोरोट एरोस्पेस सिस्टम। नागरिक उड्डयन महानिदेशक DSA से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है, थ्रोट एयरस्पेस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर थ्री, ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है। तो हेमोरा मुश्ताक। हेमोरा मुश्ताक जो है एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय कार रेसर बन गई है। क्वेश्चन नंबर फोर में, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। तो रिलायंस जियो ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है, रिलायंस जियो ने। क्वेश्चन नंबर फाइव में, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है, इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का बी, कोस्टका सेंसेना जो है सर्वानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है, यह क्रूज लाइनर का नाम क्या है, कोस्टका सेंसेना। क्वेश्चन नंबर सिक्स में, हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, RBI ने जो है द हिंदू बिजनेस चेंज मेकर अवार्ड 2023 में चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर सी, RBI ने। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इंजन EH216S को मंजूरी दे दी गई है। तो सी नंबर, चीन ने दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी इन चेंज EH216S को मंजूरी दे दी है चीन ने। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर एट, नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ब्रिटेन में किया गया है। किस देश में किया गया है, तो ब्रिटेन में किया गया है। ब्रिटेन में क्या गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर एट हो गया, क्वेश्चन नंबर नाइन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ब्रिटेन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन, भारत का पहला शहर कौन सा जो यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन, कोझिकोड भारत का पहला शहर जो यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दिया गया। क्वेश्चन नंबर नाइन का ए नंबर ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की थीम क्या है।
तो भ्रष्टाचार का विरोध करे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2028 की थीम क्या है? भ्रष्टाचार का विरोध करे और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे। ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष स्थान रहा है? तो मनीला जो है शीर्ष स्थान रहा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। हाल ही में एडेल गिव हुरेन इंडिया प्रोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का सी शिव नादर रहा है। एडेब गिव हुरेन इंडिया प्रोपकारी 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? शिव नादर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बोला जा रहा है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 की ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी नंदिना दास को। नंदिना दास को जो है भारतीय मूल की लेखिका 2023 की ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बताया जा रहा है, किस व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित कौन सा पुरस्कार जीता है? यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार कौन से व्यक्ति ने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए विहान त्या विकास ने जीता है, यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला, प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्थान के द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है? तो लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर 15 का डी हो गया। 15 का डीआरडीओ ने लॉन्च किया जा रहा है, डीआरडीओ ने लॉन्च निर्माण करेगा सरफेस टू एयर मिसाइल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ए नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चुना गया है, ऑप्शन नंबर ए। 16 का कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर ए को चुना गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, हाल ही में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉन्च करेगा? भारत का कौन सा विद्यालय जो है विश्वविद्यालय अपना खुद का SSAMU सेट लॉन्च करेगा? तो ऑप्शन नंबर हो गया ए का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो अपना सेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 वनडे विश्व कप भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन सा बन गया है? तो 18 नंबर मोहम्मद शमी जो है ना वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिया था एक ही ओवर में, अप्रोक्स 7 विकेट लिया था वर्ल्ड कप मैच में हाल फिलहाल में ही। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है, तो
19 का ऑप्शन नंबर सी हो गया बोलिविया। बोलिविया जो है दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है। हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बन गया है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, ऑप्शन नंबर ए। आयुर्वेद में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नेप्यून पहल की शुरुआत की है? नेप्यून पहल की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय जो है केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नेपुण पहल की शुरुआत की है, आयुष मंत्रालय ने। 22 में बताया जा रहा, हाल में प्रदान की गई GI टैग उत्पादों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा जो है ना सम्मिलित नहीं है? तो सभी सम्मिलित है। काजू गोवा का है, केसर जम्मू कश्मीर का है, बकथॉर्न फल लद्दाख का है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में नई हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो सभी सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी क्या है? सम्मिलित है। जैसे ये बोलेंगे नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नीदरलैंड का प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूट। लेबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ बुकई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जोवियर गोराडो माइली। ये सभी सही है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूट। लेबेरिया के राष्ट्रपति कौन है? जोसेफ बुकई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है? जेवियर गोराडो माइली। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने CISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मसाले की किस्म विकसित की गई है? तो बी, काली मिर्च अधिक उपज वाली मसाले की विकसित की गई काली मिर्च। अब क्वेश्चन नंबर लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस एक्सप्रेसवे को उत्तर भारत के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस को उत्तर प्रदेश की सबसे पहले सोलर एक्सप्रेस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किया गया है? 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो तेलंगाना में 3D मुद्रित मंदिर का निर्माण किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 27, नवंबर 2023 में पाकिस्तान की सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो सैदना मुफुदल सैफुद्दीन, ऑप्शन नंबर ई बन गए हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं सैफुद्दीन बन गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? 28 में बोला जा रहा है भारत और नेपाल की मध्य 17वीं संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में सूर्य किरण का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 29, नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामांकन किस देश द्वारा किया गया? माइकोंग का नामांकन किस देश द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार के द्वारा। माइकोंग मैमो से माइकोंग, मो से म्यांमार, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। बंगाल में आए चक्रवात माइकोंग का नामांकन किसके द्वारा किया गया है? तो म्यांमार के द्वारा किया गया है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस देश ने दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा अफगानिस्तान ने की है। दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किसने की है? अफगानिस्तान ने की है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे 31 नंबर, हाल ही में पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ करेगा? तो
क्वेश्चन नंबर 32 का, यानी द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किस राज्य में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर सी 33, निम्नलिखित में किस वर्ष में 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा। फिर हम लोग अब लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। भारत ने 2 महीने की रोक के बाद किस देश के नागरिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है? तो कनाडा ने जो है 2 महीने की रोक के बाद इलेक्ट्रिक वीजा सेवा शुरू कर दी है, कनाडा ने कर दी। ऑप्शन नंबर ए, कनाडा ने जो है 2 महीने के रोक के बाद जो है नागरिक के लिए इलेक्ट्रिक वीजा सेवाएं शुरू कर दी है कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 35, क्या बताया जरा 35 में, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियार्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? तो बिलियार्ड्स कौन से खिलाड़ी है जो 26वीं बार जीता है? तो एक ही पंकज अडवाणी जो है बिलियार्ड्स 26 बार जीता है। क्वेश्चन नंबर 36, हाल में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो वेस्ट बंगाल के लिए ब्रांड वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 37 का ए नंबर, उत्तर प्रदेश जो है छात्रों के लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 38, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2028 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, गोवा में किया गया है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2028 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया है। 39, ICC विश्व कप 2028 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने प्रदान किया गया है? तो 39वें विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ICC सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली विराट कोहली थी, जो ICC 2023 में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए और फाइनल भारत नहीं जीत पाए, पूरा समय बर्बाद हो गया। वर्ल्ड कप का पहला बार बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे वर्ल्ड कप मैच। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसमें क्या बताया गया है, सेनित प्लासिसिस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता, उनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर बी, निकारागुआ देश से है। जो सेनित प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है निकारागुआ ने, उसका संबंध निकारागुआ देश से, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 41 का है, सैन फ्रांसिस्को में जो है APEC एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को USA में किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है, डी हो जाएगा, डायना इडुलेजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। ऑप्शन नंबर बी में पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। श्रीलंका के अरविंद डीसीवाला को भी ये सम्मान मिला है। पॉलिस रम कंपनी डिक्टोडर का नेतृत्व करने के लिए आयो पोवाड ह्यूमिनाइड रॉबर्ट का नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? तो 43 का हो गया ए नंबर, MIKA जो है पोलिस रम कंपनी डिक्टोटर का नेतृत्व करने वाली आई पोवाड ह्यूमिनाइड रॉबर्ट का नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? MIKA मिका। 44, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो पंजाब ने जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो रहता है इसका खिताब किस टीम ने जीता है, तो पंजाब ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो एलेजो मैथ्यूज बन गए, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल समारिया को हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, गीत एम्बेंडेंस इन मिलेट्स का संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सही है। जैसे इसमें गीत एम्बेंड्स इन मिलेट्स के बारे में क्या बताए, इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रेमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसे फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रेमी इकोनोमिशन में जगह मिली हो। 49 में फिफ्थ राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी कथन सही है। बड़ी राज्य में केरल शीर्ष राज्य स्थान पर है, छोटे राज्य में गोवा प्रथम स्थान पे है, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पे है। किसमें? राज्य खाद्य सूचकांक 2022-23 के संबंध में। माउंट एवरेस्ट के पास में 21,500 21,500 फीट स्काई ड्राइव करने वाली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो शीतल महाजन। शीतल महाजन जो है एवरेस्ट के पास 21,500 फीट स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला बन गई है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से हम लोग डेली एक एक सेट एडिटेरिया का करंट अफेयर देखते चलेंगे, और शुरू का जो टॉपिक वाइज है वो भी पढ़ना है, क्योंकि बिहार दुर्गा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला, और बिहार एसएससी के लिए भी, चूँकि क्योंकि बिहार दरोगा में करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ना है। लाइक करें सुमित एकेडमी को, जीवी सुमित एकेडमी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।